जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करने का विधान है। विवाहित महिलाओं का पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला यह महापर्व इस बार 4 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ पर स्वार्थ सिद्धि का योग बन रहा है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह अखंड सौभाग्य देने वाला होगा। करवा चौथ के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से ही एक कथा हम आपके लिए सुना रहे हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। और फिर सबसे छोटे भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था जैसे चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा डाला तो पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण उससे देवता नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और उससे अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने को कहा। इस बार वीरावती ने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा और प्रतिवर्ष करवा चौथ का यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ व्रत कथा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में घंटी के बटन को दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।